नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने गुरुजी बिल्डर्स में। गाइस आज आपके लेके आया हूं 90 गज का फ्लैट है, सेमी फर्निश। इस फ्लैट को रेडी किया है और गाइस मेट्रो के बिल्कुल पास है, तो 600 मीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। एमिटेस की बात करता हूं तो बिल्डिंग में आपको लिफ्ट, कार पार्किंग, वाटर कनेक्शन और बीएसएस कनेक्शन भी आपको मिल जाते हैं। साथ में फैसिलिटी की बात करता हूं तो नियर बाय आपको स्कूल, एटीएम और साथ में मार्केट भी आपको नियर बाय मिल जाती है। अपने फ्लैट के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मेन डोर की, तो मैं आपको एक बार अपना मेन डोर दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मेन डोर रहने वाला है, साथ में आप बहुत शायद आपको माइका का ओवर करके दे रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं लोग भी आपको ब्रांडेड कंपनी का लगा के दे रहे हैं। बात करते हैं लिविंग एरिया की स्पेस की, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आपका लिविंग एरिया में रहने वाला है। 9 सीटर 10 सीटर 11 सीटर आप सोफा इसमें प्लेस कर सकते हैं अपना। और एक बार बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट वॉल की, तो फ्रंट वॉल भी आप देख सकते हैं पूरा आपको सनमाइका का वर्क करके दे रहे हैं, साथ में ग्लास का भी वर्क आप देख रहे होंगे, तो काफी अच्छा काम आपको इस फ्लैट में हम करके दे रहे हैं। गाइस जल्दी जल्दी इस फ्लैट को बुक कर लीजिए और विजिट जरूर करिएगा। गाइस एक बार बात करते हैं इसकी टीवी कैबिनेट की, तो टीवी कैबिनेट भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन टीवी कैबिनेट का किया है, साथ में बहुत साइड आपको माइका का वर्क करके दे रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी के आपके स्विच रहने वाले, एलटी कंपनी है गाइस, एलटी कंपनी। और साथ में नीचे भी आप स्पेस देख सकते हैं, तो कुछ भी अपना आइटम यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप स्पेस देख रहे होंगे, तो कुछ भी आप अपना डेकोरेट आइटम यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। एक बार बात करते हैं इसकी फोर सीलिंग की, तो फोर सीलिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लुक में, काफ़ी अच्छा डिजाइन हमने फोर सीलिंग में किया हुआ है, जिसमें कोव लाइट का वर्क और साथ में एलईडी लाइट का भी वर्क आपको करके दे रहे हैं। सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, तो फैन भी आपको लगा के दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी वॉल पे सनमाइका का आपको वर्क करके दे रहे हैं, तो गाइस काफ़ी अच्छा इस फ्लैट को हमने रेडी किया है। एक बार बात करते हैं इसकी बीच में सेंटर में हमने एक प्यारा सा झूमर लगाया हुआ है, तो झूमर भी आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कुछ काम अलग से कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं सीधा अपने किचन में, एक बार किचन का व्यू कर लेते हैं। यू टाइप का किचन मैं आपको बना के दे रहा हूँ इस फ्लैट में, तो आप किचन भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपका किचन में रहने वाला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पार्टीशन की, पार्टीशन भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिजाइन किया, इसमें ग्लास कवर करके दे रहे हैं, साथ में कोई भी अपना आप डेकोरेट आइटम यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। तो आइए गाइस बात कर लेते हैं
किचन में फ्रिज की स्पेस जो आपको हम अपने चैनल में आपको हर वेंटिलेशन प्रॉपर और साथ में किचन में फ्रिज का स्पेस भी देंगे। तो फ्रिज का स्पेस देख सकते हैं, डबल डोर या सिंगल डोर के भी आप फ्रिज में प्लेस आप कर सकते हैं। किचन की स्पेस की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 लेडीज़ यहाँ पे स्टैंड हो सकती हैं, आराम से काम अपना कर सकती हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे बास्केट को, देख सकते हैं आप, आपकी प्लेन बास्केट, आटा बास्केट, ऑल बास्केट आपको इसमें प्लेस करके दे रहे हैं। एक बार बात करते हैं ओवरहेड स्पेस की, तो ओवरहेड स्पेस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपका किचन में रहने वाला है। और बात कर लेते हैं एक बार की ग्लास की वर्क की, तो आप देख सकते हैं ग्लास का वर्क करके आपको दे रहे हैं। ऊपर भी हमने स्पेस आपको दिया हुआ है, कुछ भी अपना आइटम यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं आरओ की पॉइंट की, तो आरओ का पॉइंट भी आप देख सकते हैं, कितना ही बड़ा आप आरओ यहाँ पे अपना प्लेस कर सकते हैं। ब्रांडेड कंपनी का आपको हम टैब लगा के दे रहे हैं, जैगवार कंपनी है। तो गाइस कभी भी आप इसको, आपका ख़राब होता है तो कभी भी आप कंप्लेंट करके इसको चेंज करा सकते हैं। डस्टबिन का पॉइंट यहाँ पे आपका रहने वाला है, तो आप यहाँ पे अपना डस्टबिन प्लेस कर सकते हैं। तो गाइस एक बार की बात कर लेते हैं फोर सीलिंग की किचन की, तो फोर सीलिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिजाइन। तो गाइस ये था हमारा किचन, अब चलते हैं सीधा अपने फर्स्ट बेडरूम में। तो फर्स्ट बेडरूम में आइए, जैसा कि देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। तो फर्स्ट बेडरूम का भी स्पेस देख सकते हैं, 12x12 का आपका साइज रहने वाला है। फ्रंट वॉल की बात करते हैं तो 3D आपको वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं, अगर आपको वॉलपेपर पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी करा सकते हैं। दोनों साइड देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे माइका का वर्क करके दे रहे हैं और बीच में आपका बेड प्लेस हो जाएगा इसमें। उस तरफ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिरर लगा के दे रहे हैं, कुछ भी लेडीज़ का जो आइटम होते हैं यहाँ पे आप प्लेस कर सकती हैं। वेंटिलेशन जैसे मैंने आपको बताया तो वेंटिलेशन प्रॉपर आपको इस फ्लैट में रहने हुआ है, तो आप वेंटिलेशन भी देख सकते हैं, तो आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसकी फोर सीलिंग पे भी नज़र मार लेते हैं, फोर सीलिंग का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है फोर सीलिंग में। इसमें कोब लाइट का वर्क, एलई लाइट का वर्क, साथ में आपको एक फैन भी प्लेस हम आपको करके दे रहे हैं। टीवी कैबिनेट की बात करते हैं तो टीवी कैबिनेट का भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वर्क किया हुआ है इसमें, जिसमें माइका का वर्क करके दे रहे हैं, साथ में एलटी कंपनी का आपको स्विच लगा के दे रहे हैं। गाइस इस बेडरूम में आपको हम एक अलमीरा प्लेस करके दे रहे हैं, अलमीरा भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपका अलमीरा में रहने वाला है। तो अलमीरा में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, नीचे आपके शू रैक को हमने दे रखा है, तो शू रैक आप उसमें अपना प्लेस कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं सीधा अपने सेकेंड बेडरूम में, तो मैं आपको सेकेंड बेडरूम भी एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कॉमन वॉशरूम की। तो कॉमन वॉशरूम देख लीजिएगा, कॉमन वॉशरूम में पूरी वॉल पे आपको टाइल का वर्क करके दे रहे हैं, साथ में वेंटिलेशन तो आपको प्रॉपर हम दे ही रहे हैं। बात कर लेते हैं टैच की, तो जैगवार कंपनी के टैच हैं। वॉल माउंटेन टॉयलेट सीट आपको लगा के दे रहे हैं, साथ में आपको गीजर का पॉइंट दे रहे हैं, तो स्टेशन आपको यहाँ पे हम लगा के दे रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा कॉमन वॉशरूम, अब चलते हैं सीधा अपने सेकंड बेडरूम में। तो सेकंड बेडरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। मास्टर बेडरूम में आप साइज देख सकते हैं, इससे 14x12 का साइज रहने वाला है। हाँ गाइस 14x12 का साइज रहने वाला है, और काफ़ी अच्छा लुक हमने इस बेडरूम को दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ही साइड आपको अलमीरा प्लेस करके दे रहे हैं। तो अलमीरा का एक बार मैं आपको स्पेस भी दिखा देता हूँ, ये आपका अलमीरा का स्पेस रहने वाला, काफ़ी अच्छा स्पेस है, ऊपर भी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है अलमीरा का। यहाँ पे आपको 3D वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं, साथ में ऊपर देख सकते हैं तो फैंसी लाइट भी आपको प्लेस करके आप उसमें दे रहे हैं। फोर सीलिंग की बात करते हैं तो फोर सीलिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिजाइन किया इसमें, LED लाइट, कोब लाइट का वर्क करके दे रहे हैं, साथ में फैन भी प्लेस करके दे रहे हैं। तो गाइस मास्टर बेडरूम है, उससे पहले बात कर लेते हैं टीवी कैबिनेट की, तो टीवी कैबिनेट का भी डिजाइन देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया है, LT कंपनी स्विचेस है। नीचे देख सकते हैं ड्रॉअर हैं आपके, तो कुछ भी अपना आप आइटम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी आप देख सकते हैं पूरी वॉल पे टाइल का वर्क है। गाइस वेंटिलेशन मैंने जैसा कि बताया पूरा वेंटिलेशन आपको इस फ्लैट पे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वॉशरूम में भी आपका वेंटिलेशन है। यहाँ पे आपकी टॉयलेट सीट आ जाती है, यहाँ पे आपका गीजर का पॉइंट आ जाता है, साथ में यहाँ पे आपका वॉश स्टेशन भी आ जाता है। तो गाइस ये था मेरा मास्टर बेडरूम, अब चलते हैं सीधा अपने थर्ड बेडरूम में, जो हमारा बालकनी से अटैच है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ सीधा अपने थर्ड बेडरूम में, जो बालकनी से अटैच है। और गाइस एक चीज़ आपको और बता दूं, पूरी एल टाइप की बालकनी है, इससे बड़ी बालकनी आपको पूरे द्वारका मोड़ में नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस बेडरूम का साइज भी 12x12 है। साथ में फ्रंट वॉल की बात करते हैं तो 3D वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं, साथ में तीनों ही बेडरूम में आपको अलमीरा प्लेस करके दे रहे हैं, तो अलमीरा का भी स्पेस देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा स्पेस है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है, तो आप कुछ भी अपना मोबाइल चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार बात करते हैं इसकी फोर सीलिंग की, तो फोर सीलिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिजाइन करके दे रहे हैं। गाइस इस फ्लैट में आपको
तो गाइस टीवी कैबिनेट देख लेते हैं एक बार। तो टीवी कैबिनेट भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे माइका का वर्क है, एलटी कंपनी स्विचेस है, केबल वायरिंग करके दे रहे हैं। यहाँ पे अपना डेफिनेट आइटम आप प्लेस कर सकते हैं। वेंटिलेशन की बात करते हैं तो वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है आपका यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया था एल टाइप की बालकनी है, तो बालकनी भी आपको जरूर दिखा देता हूँ। तो गाइस बालकनी देख रहे हैं, बालकनी भी काफ़ी अच्छी है, एल टाइप की पूरी बालकनी है। तो एक बार एल टाइप की बालकनी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी है बालकनी बनाई हुई है। बालकनी का स्पेस काफ़ी अच्छा है गाइस। तो गाइस ये था हमारा 3 BHK का फ्लैट। तो गाइस ये था हमारा 3 BHK का 90 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट। और गाइस शाही फर्निश इस फ्लैट को रेडी किया है गाइस, मेट्रो के बिल्कुल पास है, 600 मीटर में डिस्टेंस रहने वाला, 90% आपको लोन करा के दूंगा, फ्री है, ओल्ड प्रॉपर्टी है, तो पक्की रजिस्ट्री है गाइस। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने का अवसर मिलता रहे। तो गाइस मैं चाहूँगा आपसे अलविदा और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।